बोलू श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की प्राणाधार आत्मसंबंधी सुंदर साद जी कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से सूरत के कुछ विशेष सुंदर साथ ने श्री जी को जागनी कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया कि श्री जी साहब आप जागनी कार्य के लिए जो भी जिम्मेदारी है अपने ऊपर ले लीजिए हम आपके साथ हैं और कैसे 500 सौ सुंदर की संख्या अब घर बार छोड़ के निकली है उन सुंदरसाथ की सेवा के विषय में उनके त्याग के विषय में सुना कि बिना कुछ सोचे कि हमारा भविष्य क्या होगा हमारी आगे की व्यवस्था कैसे होगी उन्होंने सर्वस्व समर्पित किया कैसे सूरत से निकलकर श्री जी अहमदाबाद से होते हुए चार दिन रहकर सिद्धपुर पहुंचे और सिद्धपुर में 22 दिन रहते हुए अलग अलग स्थानों को देखा और वहाँ तीर्थ गुरु के नाम से अथवा तीर्थ गुरु के रूप में भगवान दास रेवादास जी मिले थे और 22 दिन तक उन्होंने श्रीजी और सुंदर साथ को सारी जगह दिखाई जाते जाते किस तरह से उनको एक मुहर दी जाती है और वो लोभ बस एक मुहर और मांगते हैं इतने में अब गोवर्धन जी ने उनसे कहा कि आप अलौकिक धन की कामना कीजिए यह लौकिक धन तो समाप्त होने वाला है आप ऐसा धन मांगिए कि जन्म मरण का दुख छूट जाए उन्होंने श्रीजी से प्रार्थना करी तो श्रीजी ने चलते चलते दो चार शब्द बताए कि किस तरह से परमधाम को याद करना है यमुना जी को ताल को घाट को अक्षरधाम को याद करना है ब्रज रास की लीलाओं को याद करना है ये सारी बातें बताकर संक्षेप में बताकर चलते चलते श्री जी तो वहां से प्रस्थान कर गए अब आगे क्या कह रहे हैं ए बात चित्त धर के फेर आए अपने ठोर सोई बात दिल में रखी काहू न कहवे और अब वो बात किसी से भी नहीं कही उन्होंने बोल ही नहीं पाए इसमें चिंतन करते करते किसी से बात नहीं कर पाए और कहते हैं बोला नहीं छह मासलों रहे केशव भट्ट सोहबत केशव भट्ट उनके एक मित्र थे छह महीने बाद वो उनसे मिले और उनसे चर्चा करते करते भगवान दास ने बताया कि यहां से एक क्षत्रिय महात्मा निकले थे और जाते जाते उन्होंने हमें दो चार शब्द बताए थे दो चार बातें बताई थी और वही मैं तुमसे कहता हूं सोई वचन हमसे कहो तीन के दो एक सुकन अब केशव भट्ट जी ने कहा कि अच्छा ठीक है जो तुम्हें बताया था वो तुम हमें बताओ तो भगवान दास रेवा दास ने वो जितने शब्द उनको याद थे तोते की तरह पूरा सुना दिया लेकिन जैसे ही ये शब्द सुने तो केशव जी ने क्या कहा श्री लालदास जी इस प्रसंग में कहते हैं तब दो एक सुकन कह दिखाया धाम तब के सब पहचानिया कहा कहूं तुम्हें इस ठाम जैसे वे कुछ शब्द सुने केशव भट्ट को पहचान हो गई और भगवान दास जी को कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या कहूं तुम जिसे क्षत्रिय साधु समझ रहे हो केवल वह क्षत्रिय साधु नहीं है वो कौन है यह तो अक्षरातीत था तुम न करी पहचान अब मैं उत ही जात हूँ मुझे आया ईमान वो कोई महात्मा नहीं थे वो कौन थे वह तो साक्षात अक्षरातीत थे कैसे पहचाना केवल शब्दों के माध्यम से शब्द सुन करके कि इस तरह की पहचान तो केवल परमात्मा ही दे सकते हैं इस तरह की बात उनके अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता जो केशव भट्ट जी अभी श्रीजी से मिले भी नहीं हैं पर केवल शब्द सुनकर के उनको इतनी पहचान हो जाती है और कह देते हैं यह तो अक्षरातीत था तुम न करी पहचान उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो अक्षरातीत थे और हम अभी उन्होंने वाणी नहीं पढ़ी भी तक लिखी नहीं गई श्रीजी की चर्चा नहीं सुनी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं तथाकथित जो अपने आपको वाणी विशारद कहते हैं अपने नाम के आगे श्री श्री करके 108 और 1008 लगाते हैं लेकिन फिर भी श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते या नहीं करवाते क्या कहते हैं कि प्राणनाथ जी कौन है देवचंद्र जी के शिष्य हैं श्री कृष्ण जी के भक्त हैं छत्रसाल जी के गुरु हैं कोई उनको हिंदी भाषा के अच्छे कवि के रूप में देख रहा है कोई मध्यकालीन संत के रूप में देख रहा है लेकिन अक्षरातीत के रूप में कोई नहीं बता रहा है यहां केशव भट्ट जी कह रहे हैं कि वो अक्षरातीत थे बिना मिले ही उनको पहचान हो रही है बिना वाणी सुने वाणी पढ़े ही उनको पहचान हो रही है पूरे बीतक में चार स्थानों पर श्री जी को अक्षरातीत कहा है एक तो ये प्रसंग हो गया जो अभी हम सुन रहे हैं जिसमें केशव भट्ट जी कहते हैं कि यह तो अक्षरातीत था तुम न करी पहचान अब मैं उत ही जाता हूँ मुझे आया ईमान जब श्री जी पन्ना जी पहुंचे तो वहां पर श्री लालदास जी लिखते हैं कि नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए तीन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठौर सुख पाए फिर पन्ना जी में जब महाराजा छत्रसाल जी उन्हें सिंहासन पर विराजमान करते हैं तब छत्रसाल जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि यही अक्षरातीत है यही धनी धाम यही मोहम्मद मेहदी ईसा यही पूरे मनोरथ काम साथ समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो हम चिन्ह तुम्हें बनाए जिनको ब्रह्म सृष्टियों में सिरदार अमीरुल मोमिनिन की शोभा मिली उन्होंने उन्हें अक्षरातीत के रूप में पहचान की महामती श्री लालदास जी ने उन्हें अक्षरातीत के रूप में वर्णित किया केशव भट्ट जी उन्हें अक्षरातीत कह रहे हैं कम से कम 200 बार से अधिक लगभग 226 बार बीतक में श्रीजी साहेब के लिए प्राणनाथ जी के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया है 22 बार उनके लिए हक का प्रयोग किया है हक मतलब वही होता है जिसको हम सत्य कहते हैं जिसको हम परम सत्य कहते हैं और हम हमारा समाज आज प्राणनाथ जी की शोभा को महिमा मंडित करने की जगह पर खंडित करने में तुला हुआ है और वह प्राणनाथ जी को एक साधु के रूप में संत के रूप में एक सामान्य गुरु के रूप में एक महान विभूति के रूप में मान रहा है और जब हमारे ही समाज के विद्वान इस तरह से प्रस्तुत करेंगे तो दूसरे लोगों को तो पहचान ही नहीं है आज यदि मान लीजिए कि गुरु नानक जी को या गुरु गोविंद सिंह जी को केवल एक सामान्य महापुरुष के रूप में दिखा दिया जाए तो सिख पंथ चुप नहीं रहेगा उनके तरफ से जो भी प्रतिकार होगी वो करेंगे आज मुहम्मद साहब की गुस्ताखी में कोई भी कुछ कहता है पूरी दुनिया का मुस्लिम समाज एक हो जाएगा और उनके जो ऐसा कहेगा उनके विरुद्ध किसी न किसी प्रकार की कार्यवाही करेंगे वैसे तो मुस्लिमों में कट्टरता ज्यादा है वो तो तन से जुदा का नारा लगाना शुरू कर देंगे कोई बुद्ध के विरुद्ध में यदि कोई कुछ कहता है तो पूरा बौद्ध समाज एकजुट हो जाता है लेकिन यहां कोई प्राणनाथ जी को संत कहने पे तुला हुआ है कोई साधु कोई कवि कोई महान विभूति कहने पे तुला हुआ है जो कि साक्षात अक्षरातीत है एक कहावत कही जाती है कि मूर्ख स्त्री पति को नौकर समझती है और जब पति नौकर है तो नौकर की पत्नी क्या कहलाएगी रानी तो नहीं होगी है ना हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही है कि कोई पंडित भी होता है अगर किसी अंगूठा छाप स्त्री से भी विवाह करेगा तब भी उसे सब पंडिताइन ही कहेंगे कि नहीं मास्टर की पत्नी को मास्टर आइन ही कहा जाएगा भले उसको पढ़ना आता है कि नहीं आता है डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर आइन ही कहते हैं तो अगर कोई स्त्री अपने पति को नौकर समझती है तो उसी हिसाब से उसकी गरिमा भी होगी और जो क्या कहा है मूर्ख स्त्री अपने पति को नौकर समझती है और स्वयं की स्थिति नौकरानी जैसी हो जाती है बुद्धिमती स्त्री अपने पति को राजा की तरह रखती है और स्वयं रानी बन कर रहती है जो हमारे आत्मा के प्रियतम हैं जो हमारे आत्मा के पति हैं उनको हम अक्षरातीत से कम कुछ भी आंकते हैं तो उन्हीं की शोभा के हिसाब से हमारी भी शोभा की गणना होती है एक वो अक्षरातीत है जो हमारे लिए कहता है लाडलियाँ लाहुत की जाकी असल चौथे आसमान बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान और हम क्या कर रहे हैं ये हमारी शोभा बढ़ाने पे लगे हुए हैं और हम उनकी शोभा को कम कर रहे हैं यहाँ केशव भट्ट जी ने पहली बार पहचान दे दी इस तरह से वैसे तो इससे पहले भी दीप बंदर में भी प्रसंग आया है कि वहाँ सुंदर साथ ने श्रीजी को जब भोग लगाया तो वहाँ क्या कहा है अरुगाए श्रीराज श्रीराज को अरुगाया है हम पूर्ण ब्रह्म जब गाते हैं आरती में क्या कहते हैं आरती से पहले जब स्तुति करते हैं तो वो किसकी स्तुति है महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा श्री जी की सेवा में श्री जी के स्वागत में गाई हुई स्तुति है उनकी आरती में एक तरफ हम कहते हैं पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे कि वो कौन है पूर्ण ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं और दूसरी तरफ हम किसी का गुरु कोई संत साबित कर रहे हैं तो ये दो तरह की विचारधारा क्यों है मैं पूरे समाज से यह आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी प्राणनाथ जी की महिमा को यदि कम करने की कोशिश करता है तो उसे पश्चाताप की अग्नि में जलना ही पड़ेगा वाणी ने स्पष्ट कह दिया है कि इन मोती को मोल कहियो न जाए न किनू कानों सुनाए सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे यहां जलने मरने का तात्पर्य प्रायश्चित की अग्नि में है जो प्राणनाथ जी को कम करता है कम करके अथवा प्राणनाथ जी की महिमा को कम करके बताता है उसको भी प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा और जो सुन करके चुपचाप किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करते उनको भी प्रायश्चित करना पड़ेगा कि हमें हमने अपने प्राण प्रियतम की बुराई सुनी अथवा उनकी शोभा को उनकी महिमा को कम करके कोई बता रहा था उसको चुपचाप हमने सुन लिया कोई दुनिया में ऐसा नहीं करता सामान्य गुरु की भी यदि कोई निंदा करता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं गुरुर्यत्र परिवादो निंदा वापी प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यो गंतव्यम वतो अन्यतः कि गुरु की निंदा हो रही है तो या तो आप प्रतिकार कीजिए या फिर कान बंद कर लीजिए या वहां से चले जाइए वहां चुपचाप रह करके खड़े होकर के बैठ करके सुनते मत रहिए तो हमें भी प्राणनाथ जी के स्वरूप को अक्षरातीत के रूप में ही जाहिर करना है उससे कम करने का तात्पर्य है कि हम अक्षरातीत की शोभा को कम कर रहे हैं अब यहाँ केशव भट्ट जी ने वह शोभा बताई वह पहचान बताई और भगवान दास रेवादास को कहते हैं कि तुम तो पहचान नहीं कर पाए पर मुझे पहचान हो गई है अब मैं उत ही जात हूं मुझे आया ईमान अब मैं उनके पास ही जा रहा हूं मुझे उनके स्वरूप पर पूर्ण ईमान आ गया है पूर्ण विश्वास हो गया है कि वही अक्षरातीत है अब मुझे उनको ही पाना है और क्या कह रहे हैं ओ ऐसे ही उत से चलिया ढूंढत फिरे सब ठोर ये नहीं कि घर में जाए घर में जा के सलाह नहीं कर रहे कि मुझे अक्षरातीत का पता चल गया है और अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं उनको ढूंढने जाऊं, नहीं जो तड़प होती है ना ब्रह्म सृष्टि की वो असल ऐसे होती है एक प्रकाशवाणी में बहुत ही सुंदर दृष्टांत से बताया है पतंग का दृष्टांत, जिसमें यह बताया है कि जिस पतंग को यह पता चल जाता है कि कहीं पर दीपक जल रहा है तो वह दूसरे दीपक को बताने नहीं जाता है और यदि कोई इस तरह से बताने जाता है कि पतंग कहे पतंग को रहया तू सोए कहां तू सो रहा है मैं देखा हूं दीपक चल दिखाऊं तो है मैंने दीपक देखा है चल तुझे भी दिखाता हूं तो कहते हैं या तो ओ पतंग नहीं या वो दीपक ना है पतंग तीन तिनको जो दीपक देख झंपाए कहते हैं या तो वो दीपक नहीं है या फिर वो पतंग नहीं है क्योंकि पतंग तो उसको कहा जाता है जो दीपक देखते ही उस पर कूद जाए इसी तरह से ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण भी कुछ ऐसे ही हैं कि उन्हें यदि राज्य की पहचान हो जाती है तो एक बार पहचान हो जाने के बाद राज्य पर समर्पित होने में वो सोचते विचारते नहीं है न सूरत के सुंदर साथ ने चिंतन किया न केशव भट्ट जी ने चिंतन किया वो वहीं से वैसे ही निकले श्रीजी की खोज में अब कितने महीने हो गए बताइए छह महीने पहले श्रीजी आए थे वहां छह महीने में कहां पहुंच गए होंगे ये भी नहीं सोचा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कैसे मिलेंगे ये भी नहीं सोचा बस निकले अब पूछते गए होंगे बेचारे कि अगले गांव में गए होंगे वहां जाके पूछा होगा उन्होंने कि आज से छह महीने पहले इस तरह से सैकड़ों साधुओं का काफिला आया था इधर से तो वो किस दिशा में गया है अब क्योंकि ये तो इस तरह की घटना तो याद रहती है ना अगर कोई भीड़ इस तरह से गई है 500 के आसपास की संख्या है तो फिर किसी ने बता दिया कि इस दिशा में गए हैं ऐसे करके खोजते खोजते जब केशव भट्ट श्रीजी से मिले तब तक वो दिल्ली पहुंच चुके थे कहते हैं ढूंढते दिल्ली पहुंचिया खोज करी अतजोर दिल्ली में जाकर के श्री जी की खोज करी वहां रामचंद्र पंसारी नाम के व्यक्ति थे पंसारी तो आप लोग समझते ही हैं है ना जो जड़ी बूटियों का आयुर्वेदिक दवाइयों का कार्य करते हैं बेचने का खरीदने का तो रामचंद्र पंसारी के वहां से उनको पता चला कि श्री जी साहेब लाल दरवाजे में विराजमान है तो लाल दरवाजे में गए श्री जी साहेब से मिले कुछ दिनों तक श्री जी की संगति में रहते हैं सानिध्य में रहते हैं और तारतम अच्छी तरह से समझने के बाद निजानंद के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने के बाद अब उन्हें श्री जी की कुछ ज़्यादा ही पहचान हो जाती है पूर्ण पहचान हो जाती है और अब दज्जाल से लड़ने के लिए दज्जाल अर्थात अज्ञानता रूपी दज्जाल से लड़ने के लिए वह कमर बांध लेते हैं केशव भट्ट जी दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंच के पूर्ण ईमान लाने के बाद पूरी पहचान हो जाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जो ज्ञान मुझे मिला है जो पहचान मुझे मिली है वो मैं दूसरों तक पहुंचाऊं तो उन्होंने अब वो वहाँ से वापस गए सिद्धपुर में जाके सबसे पहले तो भगवान दास रेवादास को ही जगाया उन्होंने जिनसे केवल इशारे का ज्ञान पाया था संकेतिक ज्ञान पाया था उनको जगाया और श्रीजी के स्वरूप की पहचान देकर उन्हें सुंदर साथ में शामिल किया इसके अलावा केशव भट्ट जी ने द्वारिका दास को समझाया प्रबोधित किया परमधाम की लीला के विषय में समझाया और द्वारिकादास भी श्री जी के स्वरूप पर इतना ईमान लेकर आए कि घर बार छोड़कर सेवा के लिए वो भी दिल्ली चले गए दिल्ली में जाकर श्री जी से मिले इस तरह से केशव भट्ट जी ने एक और सुंदर साथ को जगाया जिनका नाम था केशव दास इसी तरह से त्रिकम गंगा दास इस तरह से एक केशव भट्ट जी ने ऐसे अनेक सुंदर साथ की जागनी करी जिनमें से कुछ का नाम यहां पर लिखा है हमारे समाज में निजानंद संप्रदाय में कहीं पर भी किसी भी तरह से मंदिर की स्थापना का वर्णन नहीं मिलता है अब तक तो सबसे पहले केशव भट्ट जी ने अपने घर को एक ज्ञान के प्रचार का केंद्र बनाया उसको थाना कहा गया है क्या कह रहे हैं थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर धाम चर्चा नित हो वहीं साथ रया पकड़ केशव भट्ट के घर को एक केंद्र के रूप में उन्होंने स्थापित किया अपने ही घर को और वहां से आसपास के एक क्षेत्र में जागनी करते रहे तो ये तो केशव भट्ट की वह बीतक है जो श्री लालदास जी ने बीच में से प्रसंग लेकर के बताया कि एक भगवान दास रेवादास के माध्यम से किस तरह से केशव भट्ट की जागनी हुई मैंने कल भी अंतिम में एक बात रखी थी कि जब हमारे पास श्रीजी की पहचान है वाणी की पहचान है ज्ञान है तो उसे दूसरों तक पहुंचाने से पहले हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें खुद ही पता नहीं है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि ईश्वर सृष्टि है कि जीव सृष्टि है देखिए यहां भगवान दा, दास रेवादास का भी तो पता नहीं है लेकिन फिर भी उनके माध्यम से कुछ शब्द सुनकर के एक केशव भट्ट की जागनी हो सकती है तो हमारे माध्यम से भी क्या पता जी माध्यम बना करके किसी ब्रह्म सृष्टि को जागृत कर दे तो इसीलिए जो हमारे पास है उसे हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए वैसे भी तो ज्ञान का सिद्धांत यही है ना व्यय करने से खर्च करने से और अधिक विद्या बढ़ती है और हम यदि संचय करके रखेंगे तो क्या होता है हम कहते हैं ना विद्या धनम कहते हैं व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम व्यय करने से बढ़ता ही है नीति कहते हैं अपूर्व कोपी कोशो यम विद्यते तव भारती व्ययते वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात संचय करने से ज्ञान का क्षय होता है और बांटने से ज्ञान बढ़ता है इसलिए एक ज्ञान के सामान्य सा, सिद्धांत को समझकर ही सही लेकिन हमें तारतम वाणी का प्रचार प्रसार करना चाहिए जितनी बात हमें समझ में आई है उसको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए क्या पता हमें माध्यम बना करके किसी ब्रह्म सृष्टि की जागनी हो जाए अब इस तरह से केशव भट्ट की जागनी और उनके द्वारा दूसरे अनेक सुंदर साथ की जागनी का प्रसंग बताते हुए अब क्योंकि श्रीजी की भी तक तो रह गई बीच में जो मुख्य प्रसंग है वह रह गया है कि सिद्धपुर से श्रीजी निकले हैं दिल्ली में जाके केशव भट्ट जी मिले पर बीच में क्या हुआ बीच में कहाँ कहाँ से होते हुए दिल्ली पहुँचे अब उसका वर्णन कर रहे हैं कि अब सिद्धपुर से मेरते पहुँचे धाए सिद्धपुर से चलते हुए श्री जी पहुंचते हैं मेरता अब तक गुजरात में थे अब राजस्थान में आ गए मेरता पड़ता है राजस्थान में ये मान्यता है कि मीराबाई भी वहां की थी अब जब श्री जी वहां पहुंचे वहां एक व्यक्ति मिला जिसको सब लोग लाभानंद यती कहते थे लाभानंद उसका नाम है वैसे तो यति कहते हैं सन्यासी को और सन्यासी कौन होता है जिसको किसी भी तरह का मोह ना हो जिसने किसी भी विषय को समझ करके विशेष रूप से यहाँ क्योंकि सन्यास जो है वो अध्यात्म से संबंधित है तो जिसने संसार को समझ करके उसका त्याग किया हो उसको सन्यासी कहते हैं जैसे कोई खेल से संन्यास लेता है तो इसका मतलब क्या है कि उसने खेल को अच्छे से समझा खेला देखा अब उससे मन भर गया पेट भर गया उब गया अब वो छोड़ रहा है कि चलो आज से मैं कभी नहीं खेलूंगा इसी तरह से संसार को भी समझ करके संसारिक मुह को देख करके जान करके त्यागने वाला व्यक्ति सन्यासी होता है उसे ही यति कहा जाता है पर यहां लाभानंद यति नाम के अनुरूप यति नहीं है वह तो एक तांत्रिक है और उसे संसार का मोह उससे छूटा नहीं है उसमें तो मोह इतना है कि वह अधिक से अधिक शिष्यों की संख्या को इकट्ठी करना चाहता है और जो शिष्यों की संख्या इकट्ठी हो जाती है उसको डरा धमकाकर, तंत्र बल से भूत प्रेतों का डर दिखाकर अपने पास ही बांधे रखना चाहता है ऐसा और उसकी वजह से वहाँ कोई भी साधु संत इत्यादि चर्चा नहीं करते थे सब उससे डरते थे और जनता भी उसी के पास जाती थी क्योंकि एक तो है ना सामान्य लोक व्यवहार में एक कहावत कही जाती है चमत्कार को नमस्कार है अब जहाँ तांत्रिक अपने तंत्र बल से चमत्कार दिखाता था लोग भी उसी के पास जाते थे तो उससे श्री जी ने चर्चा करी एक दिन दो दिन करते हुए दस दिन तक बातें हुई और उन दस दिनों की बात में क्या हुआ दस दिन चर्चा में भय बंद, जगह-जगह पर अलग अलग प्रसंगों में वह बंध गया बंधने का तात्पर्य वो जवाब नहीं दे पाया उसका ज्ञान अब समाप्त हो चुका है तो उसने क्या सोचा तब कही महात्म मेरो गयो मेरे मार्ग को प्रबंध उसने सोचा कि अब तो मेरा महात्म्य चला गया मेरी महिमा चली गई मेरी इज्जत चली गई लोगों को पता चलेगा कि लाभानंद जो है वो हार गया है ज्ञान चर्चा नहीं कर पाया है तो मेरी इज्जत ही कम हो जाएगी मेरा डर भी कम हो जाएगा तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे और जब नहीं आएंगे तो क्या मेरे मारक को प्रबंध मेरे जीने का जो भी जीवन यापन करने का जो साधन है वो समाप्त हो जाएगा उसने क्या सोचा कि उसने कुछ तांत्रिक सिद्धि कर रखी थी तो सोचता है कि इन भूत प्रेतों को आज्ञा देकर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ उठा करके उसके नीचे दबा करके मैं इन सबको मार डालूंगा श्रीजी सहित सुंदर साथ के लिए सोच रहा है मारो दाब के पहाड़ में इनको डारो उलटाए सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय उसके पास जितनी भी शक्ति थी उसने पूरी शक्ति लगा दी पर क्या हो रहा है कि उन भूत प्रेतों से दैत्यों से कुछ भी नहीं हो रहा है जो घर पर पहाड़ बड़े बड़े पत्थर से दबा करके मारना चाहता है पर उनसे कुछ हुआ ही नहीं क्या कह रहे है? घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठोर पंच वासना सब देव जहां खड़े तहां मंत्र चले क्यों और जहां पंचवासना पंचवासनाएं कौन है सुखदेव जी सनकादिक कबीर जी विष्णु जी और शिव जी अब इसमें विष्णु जी और शिव जी कौन है इस संसार के सबसे बड़े देवों में आते हैं प्रमुख त्रिदेवों में अब जहां इस तरह के शक्तिमान श्रीजी की सेवा में शामिल हो तो वहाँ सामान्य भूत प्रेत क्या कर सकते हैं अब यहाँ प्रश्न होता है कि जो आजकल के कुछ तथा पढ़े लिखे लोग होते वो कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते और जो कुछ लोग हैं पुराने विचारधारा के वो हर चीज में भूत प्रेत को मानते हैं वास्तविकता ये है कि दोनों को आधी अधूरी जानकारी है दोनों को आधी अधूरी जानकारी है देखिए जिन भूत प्रेतों की बात की जाती है वैसे तो भूत का अर्थ होता है हो गया मतलब जो बीत गया है बीती हुई घटना को भूत कहते हैं और जो मर गया है उसकी बात हम करते हैं भूत के रूप में जहां प्रेत की बात करते हैं प्रेत एक योनि है जैसे मनुष्य योनि है जैसे पशुओं की योनि है इसी तरह से प्रेत की भी योनि है जिनकी अकाल मृत्यु होती है समय से पूर्व किन्हीं कारणों से और उस समय उनकी मायावी तृष्णाएं किसी जगह पर वैसे तो किसी की भी पूरी नहीं होती है पर किसी किसी की ऐसी होती है कि बहुत तीव्र तृष्णा होती है मरते हुए ऐसे लोग प्रेत योनियों में जाते हैं और जितनी आयु अभी उनकी शेष होती है अब क्योंकि जीवन भर तृष्णा उनकी बनी रही है भक्ति का कोई कार्य किया नहीं है तो भक्ति के अभाव में ऐसी अवस्था में मृत्यु होने पर वे वे प्रेत योनि में जाते हैं और फिर भटकते रहते हैं और जो कुछ तांत्रिक हैं वो हठ योग की साधना से ऐसे लोगों को ऐसी शक्ति को वश में किए रखते हैं और उनसे किसी प्रकार का कार्य करवाते हैं लेकिन ये सब वहाँ कार्य नहीं कर सकते जिनके अंदर थोड़ी सी भी भक्ति का बल है ये तो उन लोगों को डराने के लिए है जिनके पास आत्मबल नहीं होता है वरना उनके पास कोई शक्ति नहीं है और दूसरा मैंने दूसरी विचारधारा कही कि, कि किसी को सिरदर्द भी हो रहा होता है गाँव में तो वो डॉक्टर के पास न जा करके के ऐसे तांत्रिकों के पास चले जाते हैं कि कुछ लोग ओझा बोलते हैं कुछ लोग तांत्रिक बोलते हैं और वो जा के बोल देते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो इस प्रेत का साया है उस भूत का साया है ऐसा कुछ नहीं होता है बहुत सारे मेडिकल टर्म्स होते हैं बहुत सारी ऐसी शारीरिक बीमारियां होती हैं जिसको भी लोग भूत प्रेत का नाम देते हैं वह भी अंधविश्वास है और जो ये कहते हैं कि नहीं होते ही नहीं है ये सब तो भ्रम है ये सब तो एक आ, मानसिक कोई समस्या है तो वो भी गलत है प्रेत योनिया होती है पर यह है कि जिसके अंदर भी आत्मबल होता है थोड़ा सा भी तो उसका ये सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते अब जहां साक्षात अक्षरातीत हैं जिनकी सेवा के लिए पंचवासना सहित सभी देव खड़े हैं वहां कोई भला क्या बिगाड़ सकता है इसलिए सुंदर साथ को कभी भी डरने की आवश्यकता ही नहीं है एक इस संदर्भ में एक प्रसंग दृष्टांत के रूप में मैं आपको देना चाहता हूं कि यह दृष्टांत मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ है एक बार एक नया लड़का था कम उम्र का लड़का जिसको धर्म का इतना ज्ञान नहीं था वो किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस गया और वो खुद भी तंत्र विद्या सीखने लगा दो चार दिन ही हुए थे उसको सीखते हुए तो वहां पर कोई एक अच्छे साधु आए जो भक्ति का मार्ग बताते थे ज्ञान ज्ञान बताते थे क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र का काम है ना वो राक्षसी भक्ति है ये कोई ऐसे अच्छा काम नहीं है ये तो उन साधु ने उन संत ने सबको इसी तरह से सामूहिक रूप में प्रवचन में बताया कि ये जो चमत्कार वगैरह है वो सब तो हमारे उन्नति को रोकने का साधन है क्योंकि जो चमत्कार करने लग जाता है तो अपने लिए कुछ कर नहीं पाता है फिर पूरे जीवन भर लोगों की भीड़ बनी रहती है तो इसीलिए आत्म उन्नति नहीं हो पाती है तो इस तरह से वो चर्चा कर रहे थे वो बात उस युवक को जची अच्छी लगी तो उसने उन साधु से कहा कि महात्मा जी मैं भी इस तरह से सीख रहा था पर मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं और भक्ति के मार्ग पर लगना चाहता हूं तो साधु ने कहा ठीक है तुम यदि कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे पास रहो मेरे पास आया करो दिन में एक समय निकाल करके मैं तुम्हें सिखा दिया करूंगा वो युवक जाने लगा एक दो दिन हुआ तो उस तांत्रिक को पता चल गया कि मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है वो समझ गया कि किसी दूसरे साधु के चक्कर में फंसा है उसने उस लड़के को बुलाया और धमकी दी कि यदि तूने उस साधु का साथ नहीं छोड़ा तो मैं तेरे ऊपर मारण क्रिया का प्रयोग करके तुझे मार दूंगा तो वो युवक डरा डरा उस महात्मा के पास गया और महात्मा जी को बोला कि महात्मा जी मुझे तो उस तांत्रिक ने ऐसे ऐसी धमकी दी है महात्मा जी ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है जब भी तुम्हें लगे कि मेरे प्राण के ऊपर संकट है तो तुम तुरंत परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दो तो कहता है कि जी अभी तो मुझे ध्यान की प्रक्रिया का पता ही नहीं है परमात्मा की पहचान ही अभी नहीं है कि कैसे ध्यान करो उनका तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें परमात्मा की ध्यान की प्रक्रिया का पता नहीं तो तुम मेरा ध्यान करो मुझे याद करना उसने कहा ठीक है अब उस तांत्रिक ने युवक के ऊपर मारण क्रिया का प्रयोग किया इस लड़के को थोड़ी थोड़ी पीड़ा होनी शुरू हो गई थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ तो उसको पता चल गया क्योंकि गुरु ने बता दिया था तो उसने क्या किया कि तुरंत आंख बंद करके गुरुजी का ध्यान करने लगा गुरु जी को पता चल गया क्योंकि वो तो एक पहुंचे हुए संत थे योगी थे उनको पता चल गया कि मेरा शिष्य संकट में है अब उन्होंने परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दिया अब हुआ क्या जिस तरह से बिजली में क्या होता है कि मान लीजिए कि हम जो मेन स्विच बोर्ड है वहां से तार वगैरह लेके आते हैं फिर प्लग में हम कोई भी जोड़ते हैं लेकिन वहां तो तार कहीं ना कहीं पावर हाउस से आ रहा होता है इसी तरह से परमात्मा पावर हाउस से गुरु ने अपना कनेक्शन वहां से जोड़ लिया है और वो जो युवक था वो गुरु का ध्यान कर रहा है तो परमात्मा की कृपा उस तक गुरु जी तक पहुँच रही है और गुरु जी के माध्यम से पहुंच रही है शिष्य तक उस युवक तक तो युवक के अंदर क्योंकि एक तो आत्मविश्वास भी आ गया कि गुरु जी मुझे कुछ होने नहीं देंगे और उस गुरु जी के आशीर्वाद से अब युवक को कुछ भी नहीं हुआ और जिसने मारण क्रिया का प्रयोग किया था वापस वो जो क्रिया है उसी के ऊपर जाकर के लग जाती है और उसके सारी तांत्रिक प्रक्रियाएं नष्ट हो जाती है सारा तंत्र बल मंत्र बल समाप्त हो जाता है अब वो एक सामान्य मनुष्य अब उसके पास कोई भी शक्ति नहीं रह जाती है तो सोचिए कि एक संसार का संत इस तरह से अपने शिष्य की रक्षा कर सकता है हम तो राज्य के लिए क्या कहते हैं असराफिल जबराइल भेज दिए आमर कि राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा के लिए ज्ञान रूप से जागृत बुद्धि को भेज दिया है और अपनी जोश की शक्ति को भेजा है ये कहते हुए कि मेरी ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा करना और जो राज्य पल पल हमसे हमारे पास है जो हमारे प्राण नली से भी निकट है वो हम पर संकट नहीं आने देंगे हाँ समस्या उनको होती है जिनका आत्मबल थोड़ा सा भी कमजोर होता है इसीलिए और आत्मबल कैसे आता है आत्मबल आता है निरंतर राज्य के ध्यान से निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास से ऐसे ही नहीं आ जाएगा ऐसे ही हम सोचेंगे आत्म क्योंकि उसका कोई ना कोई आधार तो चाहिए ना किस आधार से बल मिलता है तो इसीलिए हमें प्रतिदिन राज्य की यदि हम चितवनी करते हैं जो सुंदर साथ यदि प्रतिदिन चितवनी की तो बात बहुत ऊपर की है यदि प्रतिदिन भी अच्छे से हृदय से जाप भी करता होगा उसको भी ऐसे तंत्र मंत्र कोई काम नहीं कर सकते भूत प्रेत आदि की बाधाएं लग ही नहीं सकती है बस इतना है कि राज्य के ऊपर दृढ़ विश्वास रखने की आवश्यकता है और अपना आत्मबल अपना संकल्प मजबूत रखने की आवश्यकता है अब इस तरह से जब लाभानंद नाम के उस तांत्रिक ने अपना पूरा बल लगाया अपने पूरे पूरी सेना को लगाया लेकिन कुछ कर नहीं पाए तो क्या कहते हैं देखाऊं में डगाए के आसन कर बैठा सुन, खोज खोज खाली भया ग्रह के बैठा मुन पहले तो सोचा कि इनको मैं डिगाऊंगा इनको मैं डरा दूंगा या फिर मार दूंगा तो एक जगह पर वही तंत्र मंत्र का प्रयोग करने के लिए आसन लगा करके बैठ गया पर उसके जितने भी हथियार थे वो सब नष्ट हो गए उसका जितना बल था वो समाप्त हो गया अब वह मौन लेकर के बैठ गया मौन लेकर के क्यों बैठा देखिए मौन बहुत कुछ बयान कर देता है विशेष रूप से एक तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मौन का लाभ है सो अलग पर जो मूर्ख होता है ना मूर्ख व्यक्ति के लिए मौन उसका सबसे बड़ा बल है चाणक्य ने दो बात कही एक चाणक्य नीति में एक चाणक्य सूत्र में चाणक्य सूत्र में उन्होंने कहा मूर्खाणाम बलम मौनम मूर्ख का बल क्या है मौन कारण क्या है तो चाणक्य नीति में उन्होंने कहा यथा यथा मुंचती वाणम तथा विजानाती कुल प्रमाणम क्योंकि जैसे जैसे कोई व्यक्ति बोलता है उसके बोलने से उसके ज्ञान का उसके कुल के संस्कार का पता चल जाता है और कोई व्यक्ति मौन होकर के बैठा रहे तो क्या पता चल रहा है कि कोई कितना बड़ा ज्ञानी है कि मूर्ख है इसलिए जैसे ही मुंह खोलेगा तब पता चलेगा कि ये मूर्ख है इसलिए अपनी मूर्खता छिपानी हो तो मौन रहना ही अच्छा होता है हाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी मौन का बड़ा महत्व है क्योंकि हम जितने अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों से कई बार वाचिक हिंसा होने की संभावना होती है उन शब्दों के आधार पर हमारी मनोवृत्तियाँ क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना अधिक व्यापार होगा मन का चित्त की वृत्तियों का जितना व्यापार फैलेगा उसको समेटने में उतना ही समय लगेगा इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी मौन का लाभ है पर यहाँ लाभानंद यति हार के कारण अब कोई प्रश्न न पूछ दे उत्तर देना ना पड़े इसलिए वह मौन धारण करके बैठ गया और जैसे ही वहां के लोगों को पता चला कि लाभानंद यति एक ऐसे महात्मा से हार गया है जो कहीं बाहर से आए हैं तो लोगों की भीड़ आने लगी कैसे भीड़ आने लगी कहते हैं मेरता में श्री जी रामचंद्र जी के वहां जाकर के रहे एक हवेली ली उन्होंने और वहां चर्चा करने लग गए तो कहते हैं सोर पड़ा शहर में आवत सब खलक पूरे शहर के लोग आने लग गए किस तरह से घेर रहे मधुमाखी ज्यो कोई आए बीच किस तरह से आते हैं जैसे एक रानी मक्खी होती है ना तो रानी मक्खी को घेर करके मधुमक्खियां रहती हैं बहुत सारी इसी तरह से लोगों की भीड़ भी मधुमक्खी के छत्ते की तरह आने लगी और उन लोगों में जिन जिन जो जो लोग सुंदर साथ में शामिल हुए जिन्होंने श्री जी से तारतम लिया उनका नाम बता रहे आया चापसी चित्सो और आया रघुनाथ चापसी रघुनाथ पूरे परिवार को छोड़कर के परिवार का मोह छोड़कर के श्रीराज जी के साथ वो वहां से चल देते हैं अगर बारे बनिया मिने आया राजा राम अग्रवाल अगर बार लिखा है ना ये अपभ्रंश से अग्रवाल जो कि बनिया अर्थात तो व्यापार करने वाली ये जाति है या वर्ण है जो व्यापार में बहुत आगे होते हैं आज भी आप देखेंगे तो शहरों में बहुत सारी दुकान अग्रवाल के नाम से होती है चाहे वो मिठाइयों की दुकान हो चाहे अलग अलग हो तो व्यापार वो पहले से ही करते थे आज से या 10-20 साल से 50 साल से नहीं उस समय भी व्यापारी ही थे और उन व्यापारियों में से राजा राम जी आते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में झांझन भाई आते हैं पूरे परिवार के साथ में श्रीजी ईमान लेकर के इसी तरह से मकरंद मानसिंह ये सब सुंदर साथ ऐसे हैं जिनका नाम अष्ट प्रहर की सेवा तक भी आता है आगे पन्ना जी तक भी यही राजा राम है यही झांझन भाई है जो व्यापारी तो थे ही और जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया और उनको साथ देने वाले एक बहुत ही धनाढ़ बहुत ही अमीर व्यक्ति थे इसी तरह से यहां श्रीजी के जागनी लीला में भी अब तक कोई साथ नहीं था इस तरह से जैसे राजाराम और झांझन ने दिया है लगभग सत्रह का समय होगा जब श्री जी मेरता में पहुंचे और यहां से लेकर के पन्ना जी पहुंचते हैं 1740 में उनतालीस समाप्त होकर 40 लग रहा होता है और उसके बाद भी तीन साल बाद छत्रसाल जी को पता चलता है कि अब तक की सारी सेवा मेरता से लेकर के अब तक की जितनी सेवा थी वो सेवा तो राजाराम और झाजन भाई कर रहे थे एक दो लोगों की नहीं 500 लोग तो सूरत से निकले थे मेरता पहुंचते पहुंचते कितने की संख्या हुई होगी मेरता से कितने लोग साथ में चले होंगे पन्ना जी पहुंचे थे तो 5000 की जमात थी और उन उनकी भी तीन साल तक आप औसत निकाल करके चलिए तो तीन हजार लोगों की लगभग लगभग नौ या दस साल तक सेवा करना हमारे यहां तो अगर दो मेहमान भी आ जाते हैं घर में तीन दिन तक रुके चौथे दिन हम सोचने लगते हैं कि कब जाएंगे क्यों क्योंकि वो भावना नहीं है ना हमारी अब यहां वो सुंदर साथ ऐसे है कि जो कमा भी रहे हैं तो अपने लिए नहीं कमा रहे अब इससे पहले तो अपने लिए ही कमा रहे होंगे अपने लिए ही जमा कर रहे होंगे पर जब श्री जी की पहचान हो जाती है जब उन्हें अपने आत्मिक आध्यात्मिक कर्तव्य का भान हो जाता है तो उन्होंने अपना सब कुछ श्री जी के चरणों में सौंप दिया ये कहते हुए कि धनी ये सब कुछ धन जितना भी वो सब आपका ही है तो जिस तरह से राणा प्रताप के साथ पूरे जीवन भर भामाशाह का नाम जुड़ता रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी यहाँ पर भी जहाँ भी सेवा का वर्णन आएगा देखिए सेवा करने वाले वैसे तो बहुत हुए पर इतने लंबे समय तक निरंतरता के साथ में और वो तो राजा भी नहीं है ना छत्रसाल जी के ऊपर तो मैं किसी की सेवा को कम करके नहीं बता रहा पर एक दृष्टि से देखा जाए तो पहली बात छत्रसाल जी तो राजा भी श्री श्रीजी ने उनको ये भी आशीर्वाद दिया है कि मतलब जहां जहाँ भी आपका घोड़ा पग धरेगा वहां की धरती हीरा उगलने लगेगी वो चौथ वसूल करते हैं हारे हुए राज्य से वहां से धन देते हैं तो वो तो फिर भी चलिए ठीक है यहां इन्होंने तो ये तो सामान्य सुंदर हैं अपना व्यापार करके अपने परिश्रम की कमाई से इन्होंने इतने लंबे समय तक सेवा की तो इनकी सेवा का भी महत्व कम नहीं किया जा सकता निरंतर इतनी सेवा की उन्होंने क्या कहते हैं श्री लालदास जी खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिने पतली कमरी ओढ़न की आवत थी उत से अभी जितना भी पत्राचार होता है उस समय तो क्योंकि आज की तरह कागज वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती थी तो जहां कहीं भी किसी को भी पत्र लिखने की सेवा करनी होती थी तो कागज की सेवा स्याही की सेवा लेखनी की सेवा ये सारी यही करते थे जितने सुंदर साथ थे उनके ओढ़ने के लिए पतले पतले कम्बलों की व्यवस्था और पतले कम्बल इसलिए क्योंकि यात्रा ही करते रहना है कितने दिन कहां रहेंगे कुछ अतापता है नहीं तो भारी भरकम सामान लेकर के कहाँ ढूंढेंगे कहाँ घूमेंगे कहाँ उन सामानों की व्यवस्था करेंगे तो इसीलिए पतले पतले कंबल ओढ़ने के लिए यहां से आया करते थे तो ये राजा राम और झांझनबाई की सेवा है और जब श्री जी पन्ना जी पहुँचे पन्ना जी पहुँचने के बाद तीन वर्ष के बाद में जब महाराजा छत्रसाल जी ने ये सारी सेवा अपने ऊपर ले ली तो राजा राम और झांझन भाई दोनों भी उन्होंने सोचा कि चलो अब हमारे तरफ से ये आर्थिक सेवा का कर्तव्य पूरा हुआ उन्होंने उसी समय उसको छोड़ दिया उधर छत्रसाल जी को पत्र लिखा कि आप कहें तो हम वहाँ पर आ जाएं और फिर पन्ना जी पहुंच गए श्री जी की सेवा में तो ये समर्पण होता है समर्पण का तात्पर्य हम कई बार क्या सोचते हैं कि जैसे कि इसको ना दो पक्ष से सोचा जा सकता है कि ए, कुछ लोग कुछ सुंदर साथ ये सोचते हैं कि जो घर बार छोड़ कर के ज्ञानपीठ में आकर के या ऐसी किसी और संस्था में आकर के रह रहे हैं तो ये बड़ा समर्पण है यही समर्पण है ऐसा भी सोचते हैं और कुछ सुंदर साथ सोचते हैं कि हम लाखों रुपए दे रहे हैं तो ये बड़ा समर्पण है देखिए क्या कर रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है क्यों और किस भावना से कर रहे हैं वो बड़ी बात है यहां राजा राम और झांझन भाई घर बार छोड़कर के नहीं निकले इसी समय क्योंकि अगर निकले होते इस समय तो जो सेवा उनसे हुई जिस सेवा की आवश्यकता थी वो नहीं हो पाती फिर कितनी समस्या खड़ी होती इतने सुंदर साथ की व्यवस्था कर पाना इसी तरह से यहां पर भी जो सुंदर साथ अपना घर बार छोड़ करके अपना पूरा समय राज्य की सेवा में दे सकते हैं वह तो समर्पण है ही पर यदि घर बार नहीं छोड़ सकते किसी कारण से फिर भी माया में परिवार में रहते हुए भी अपने पांच सात लोगों के परिवार की व्यवस्था करते हुए राज्य की सेवा के लिए अपने तरफ से कुछ विशेष मात्रा में कि चलो मान लीजिए कि हम लाख रुपए कमा रहे हैं इसमें से यदि सत्तर अस्सी हज़ार हम मान लीजिए पचास हज़ार खर्च चल जाता है पचास हज़ार खर्च हो जाता है महीने में और पच्चीस हज़ार हम सेविंग के लिए रख देते हैं तो बाकी पच्चीस हजार या पच्चीस नहीं तो बीस पंद्रह दस जितना हो सके एक निश्चित अमाउंट में हम प्रति माह प्रति वर्ष इस तरह से सेवा करेंगे तो वह भी एक तरह का समर्पण ही है क्योंकि होता क्या है जिसके पास करोड़ों रुपए हो वो अगर लाख रुपए दे रहा है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन जिसके पास लाख रुपए ही है उसमें से बचत करके और अपने खर्च में से कटौती करके दे रहा है तो वो भाव देखा जाता है राज्य भाव देखते हैं ना और भाव हो तो क्या होगा कि हम अपने कुछ ऐसे खर्च जो जरूरत के अलावा जो भी चाहनाएं इच्छाएं होंगी उनको मारेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सेवा राज्य के लिए ये सेवा जागनी के लिए यहां राज्य की सेवा का तात्पर्य जागनी से तो इस तरह से भी यदि कोई सुंदर साथ सेवा करते हैं तो उनकी सेवा भी इसी तरह से बड़ी मानी जाएगी उनके समर्पण की भी इसी तरह से राज्य के दिल में जगह बनेगी केवल परिवार छोड़कर के निकलना ही समर्पण नहीं है जो निकल रहे वो भी छोटा काम नहीं है क्योंकि यदि इतना आसान होता तो सब निकल चुके होते ऐसे लोगों की संख्या कम है ना तो यदि कोई छोड़ करके निकल रहा है तो उसके समर्पण का अपना महत्व है और कोई परिवार में रह करके संसारी कर्तव्य का पालन करते हुए अपना धार्मिक कर्तव्य भी पालन कर रहा है जागनी में भी सहयोग कर रहा है तो उनका भी अपना महत्व है और ये शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिलती है अब इस समय मेरता में सब जगह पर जी की खबर पहुंच जाती है दो कारणों से एक तो लाभानंद यति जैसा तांत्रिक व्यक्ति परास्त होकर के मौन धारण करके बैठा है और दूसरा ये राजा राम और झांझन भाई जैसे जो बड़े धनाढ़ व्यापारी हैं उन्होंने भी श्री जी का सानिध्य स्वीकार किया है उन्होंने भी श्री जी पर विश्वास लाकर तारतम ज्ञान ग्रहण किया है तो इस तरह से लोगों में ये खबर पहुंचती है कि ये कोई अलौकिक दिव्य महात्मा आए हैं तो वहां चर्चा करने वालों की चर्चा सुनने वालों की और दीदार दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है कुछ लोग चर्चा सुनने के लिए आते हैं समझने के लिए कुछ लोग केवल दर्शन के लिए आते हैं श्री लालदास जी कहते हैं ये बातें बहुत है कहा लो कहूं बनाए जो इत लीला में हाजिर ए अनुभव ता है ताए कि ये तो लीला ऐसी है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से जो वहां शामिल थे उस लीला में वही उसके आनंद को अच्छी तरह से जान सकते हैं हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं कि कितना आनंद आता होगा इस तरह से अब मेरता में लीला चल रही है घटना हो रही है वहीं पर श्रीजी ने एक बात सुनी एक राजा के विषय में जिनका नाम था जसवंत सिंह श्री जी ने सुना कि ये बहुत एक वीर है प्रतापी है और औरंगजेब के दरबारियों में से एक है मैं उन पांच दरबारियों की बात नहीं कर रहा जितने भी छोटे छोटे राजा थे उनमें बहुत सारे राजा औरंगजेब के अधीन रहा करते थे अपने राज्य में तो वो राजा ही कहलाते थे पर औरंगजेब के वहां तो औरंगजेब सुल्तान है तो वो उसके दरबारी के रूप में होते थे जहाँ कहीं भी युद्ध होता था तो औरंगजेब के आदेश पर इनको जाना पड़ता था एक सेनापति के रूप में तो उन्हीं में से एक थे जसवंत सिंह जब उन्होंने श्रीजी के विषय श्रीजी ने जब जसवंत सिंह के विषय में सुना तो पाती चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी को लेकर के गए गोवर्धन भट्ट अटक जो पड़ता है अटक नदी के पार जाकर जसवंत सिंह का जहां राज्य था वहां जाकर के उन्होंने खबर दी चिट्ठी दी वीरता तो बहुत है जसवंत सिंह इतने वीर हैं एक घटना से जान सकते हैं इतिहास की एक घटना है वैसे तो यह घटना जसवंत सिंह की नहीं है उनके पुत्र की है पर उस पुत्र में जो संस्कार आए वो पिता की वजह से इसलिए मैं समझा रहा हूं एक वर्णन आता है इतिहास में ऐतिहासिक कथा में कि औरंगजेब के कुछ सैनिक एक शेर को बब्बर शेर होता है ना लायन जिसके ये बाल निकले होते हैं टाइगर की बाघ की मैं बात नहीं कर रहा जो जंगल का राजा है शेर बब्बर शेर तो ऐसे शेर को पकड़ कर लेके आते हैं फंसा करके जाली वाली में डाल करके वो बहुत ही तगड़ा होता है बहुत ही बलशाली बड़ा और औरंगजेब के सामने ला करके प्रस्तुत करते हैं तो औरंगजेब सोचता है कि खुश होकर के सबके सामने बोलता है कि मतलब मेरे शेर जितना बड़ा क्योंकि अब वो तो उसका हो गया कहता है कि मेरे शेर जितना बड़ा और शक्तिशाली शेर किसी के राज्य में किसी के पास है जसवंत सिंह ने कह दिया कि बादशाह सलामत मेरे पास जो शेर है वो आपके शेर से भी ज्यादा ताकतवर है अब जसवंत जसवंत सिंह ने जब ऐसा कहा औरंगजेब कभी भी अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता था और वो तो लड़ने का मारने का बहाना ढूंढता था उसने सोचा कि क्या किया जाए इसका यदि नहीं निकला यदि इसका शेर मेरे शेर से शक्तिशाली नहीं निकला तो मैं इसको मरवा दूंगा उसने घोषित कर दिया कि एक निश्चित दिन तय करके दोनों शेर को लड़ाएंगे बड़े से पिंजरे में डाल के यदि तुम्हारा शेर हार गया तो मैं तुम्हारा सिर कलम करवा दूंगा जसवंत सिंह ने कहा ठीक है जो दिन निश्चित हुआ बड़ा सा पिंजरा लाया गया उसमें औरंगजेब के शेर को डाला गया था जसवंत सिंह अपने बारह तेरह वर्ष की उम्र रही होगी ऐसे पुत्र को लेकर के आते जिनका नाम था पृथ्वी सिंह पृथ्वी सिंह को लेकर के आए मुस्कुराते हुए औरंगजेब ने पूछा कि तुम्हारा शेर कहाँ है तो बेटे की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यही तो मेरा शेर है अब कोई भी बारह तेरह वर्ष का बच्चा यहां काफी बच्चे बारह तेरह वर्ष की उम्र के यहां कभी कभी पता है आपको बिल्ली जैसे होती है ना बिल्ली जब रोती है तो बच्चे की तरह आवाज आती है बिल्कुल इंसान का बच्चा रो रहा है यदि रात के ग्यारह बारह बजे इस तरह से बिल्ली रोए और उस जगह पर आजकल के बारह तेरह वर्ष के बच्चे को अकेले जाने के लिए कह दिया जाए शेर तो बहुत दूर की बात है आजकल की माताएं तो अपने बच्चों को कॉकरोच से छिपकली से डराती हैं पृथ्वी सिंह ने इशारा किया जसवंत सिंह ने पृथ्वी सिंह की तरफ इशारा किया औरंगजेब ने कहा अच्छा ठीक है चलो युद्ध कराते हैं क्योंकि वो तो अब कुटिल है कपटी है मन ही मन सोच रहा है कि ये तो तेरह साल का बच्चा है शेर से मुकाबला क्या कर पाएगा पिंजड़ा खोल दिया गया पृथ्वी सिंह अंदर और पिंजरा बाहर से बंद कल्पना कीजिए अब शेर जब भी झपट्टा मारता है तो दो कदम पीछे हटके एक बार झुकता है तो पता चल जाता है कि अब यह हमला करने वाला है उस शेर ने भी उसी तरह से किया तो पृथ्वी सिंह ने अपनी तलवार निकाली ली म्यान से तैयार हो गए जसवंत सिंह बाहर से क्या कहते हैं कि बेटा शेर निहत्था है और तू हथियार से लड़ेगा अब सोचिए पृथ्वी सिंह ने अपनी तलवार भी फेंक दी और जैसे ही शेर मुंह खोल करके पृथ्वी सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ा उस बच्चे ने उस तेरह साल के वीर बालक ने शेर के मुंह को दोनों जबड़े को दोनों हाथ से पकड़ करके ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई पुराना कपड़ा फाड़ देता है ना अब औरंगजेब उसको देख करके अंदर ही अंदर इतना सहम गया सोचता है कि ये बचपन में ऐसा है बड़ा होगा तो क्या होगा एक लोक व्यवहार में राजनीति में विशेष रूप से यह बात प्रचलित है कि जो सांप का बच्चा संपोलिया होता है ना भले ही अभी उसमें विष ना हो पर बाद में उसमें विष आ सकता है इसलिए बड़ा होने से पहले ही मार देना चाहिए औरंगजेब भी उसी नीति पर काम करता है मेरे पीछे तक आवाज आ रही है ठीक है अब औरंगजेब ने क्या सोचा कि यदि ये बड़ा हो गया तो मेरे राज्य पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है तो ये तो बाद की घटना है खैर अभी तो जसवंत सिंह जीवित है औरंगजेब ने जसवंत सिंह को किसी युद्ध में भेज दिया और धोखे से पृथ्वी सिंह को जहर दे करके मरवा डाला और जब जब जसवंत सिंह को इस बात का पता चला आप सोचे कि जिसका पुत्र इतना वीर हो कितना प्रेम करते होंगे इस बात का इतना गहरा आघात पहुंचता है इतना गहरा सदमा लगता है कि उसी दुख में तड़प तड़प करके इतना दुखी होते हैं कि उसी दुख में वो बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं तो ये जसवंत सिंह और पृथ्वी सिंह की घटना है ये उसी जसवंत सिंह की बात है जिनको जगाने का प्रयास श्रीजी इसलिए कर रहे हैं उनके मन में आया कि ये राजा भी है क्या पता इसके अंदर साकुंडल की वासना हो देखिए हमारे मन में कई बार ये हो सकता है कि ये बार बार राजाओं को जगाने का असफल प्रयास क्यों किया जा रहा है क्या राजी को पता नहीं है अगर श्रीजी अक्षरातीत हैं तो सीधे छत्रसाल की बात क्यों नहीं कर रहे है? इसका कारण ये है कि चौबीसों घंटे ब्रह्मलीला नहीं चलती है राज्य उस तन में विराजमान तो है पर मिहर राज जो जीव है वह भी जागनी के लिए अपनी बुद्धि लगाता है क्योंकि उस जीव का भी तो समर्पण है ना इंद्रावती जी की आत्मा का भाव लिया है उस जीव ने वह अब जीव नहीं है मिहिर राज का जीव नहीं है स्वयं इंद्रावती के भाव में वो डूबा रहता है अब यदि सब कुछ राज्य करवा दे सारा इशारा राज्य दे दे कि तुम इसको पकड़ो इसको ज्ञान सुनाओ इसको तारतम ज्ञान दे दो इस तक संदेश पहुंचाओ तो हमारा समर्पण ही क्या हुआ इसीलिए मिहिर राज्य का जो जीव है वह अपने तरफ से कोशिश कर रहा है प्रयास कर रहा है और इसी प्रयास के तहत जसवंत सिंह को जगाने के लिए उन्होंने गोवर्धन भट्ट जी को भेजा है लेकिन उसमें अब अंकुर नहीं है परमधाम का उनका पूरा ध्यान क्योंकि युद्ध में है दंड बैठक करने में है व्यायाम करने में है युद्ध कला का अभ्यास करने में है पर अध्यात्म के अभ्यास में नहीं है इसीलिए अब वहां कुछ समय तक रहते हैं इधर श्री जी चार महीने तक मेरते में रहे एक दिन बाहर चलते हुए मार्ग में वो खड़े थे टहलते हुए तो वहां मीनार पर चढ़ करके एक मौलवी बांग दे देता है कलमा पड़ता है कौन सा कलमा जिस कलमे को सुन करके श्री जी विचार करते हैं वो कलमा है श्री लालदास जी कहते हैं ऊपर चढ़ कलमा ला इलाह इल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह तीन की एक खबर कहे अल्लाह कलमा क्या था ला इलाह इलाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के छह अक्षर और अक्षरातीत है जिसमें से एक जो अक्षरातीत है वही पूज्य है और वह जो अक्षरातीत है मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं अथवा पैगंबर हैं संदेशवाहक हैं जी उस पर चिंतन करते हैं कि ला तो नाही को कह ला मतलब नहीं अर्थात कुछ भी नहीं है जिसको हम क्षर कहते हैं जिसको हम नश्वर ब्रह्मांड कहते हैं इलाह तो है हक इलाह का मतलब है जो कि अक्षर है और इलीह जो है वह है अक्षरातीत तो श्री जी कहते हैं कि ये तो अक्षर और अक्षरातीत की बात कह रहे हैं और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस तरह से जब विचार करते हैं तो उन्हें इस बात का आभास होता है कि यही वो प्रसंग है जिसके लिए श्री देवचंद्र जी ने हमें बताया था पहले ही कि कुरान में भी ब्रह्म सृष्टियों की बात है कुरान में भी परमधाम की बात है अक्षर अक्षर और अक्षरातीत की बात है और मोहम्मद साहब तो केवल संदेशवाहक हैं हम सबके लिए यह ज्ञान आया है और हमारे बिना और कोई भी इसके रहस्य को नहीं खोल सकता इस तरह से चिंतन करते हैं श्री महामती जी कह रहे हैं कि श्री महामती कहे ए साथ जी इहा लो ईसा का इलम ईसा कहते हैं श्यामा जी को अब तक श्री जी के माध्यम से जितनी भी चर्चाएं हो रही थी या जितनी भी वाणी का अवतरण हो रहा था ये श्यामा जी का ज्ञान था अर्थात जो ज्ञान देवचंद्र जी ने दिया श्रीजी भी ब्रज की लीला का वर्णन करते थे रास की लीला का वर्णन करते थे परमधाम की लीला का वर्णन करते थे और हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित जितने भी प्रसंग हैं उन प्रसंगों की वो चर्चा करते थे चाहे वो वल्लभाचार्य जी की वाणी हो चाहे कुछ और हो जो ज्ञान देवचंद्र जी ने दिया अब यहाँ से कहते हैं अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दिन आदम अब यहां से मोहम्मद साहब का ज्ञान भी शामिल हो जाता है और आगे किस तरह से मानव मात्र का जो एक धर्म है वह स्थापित हो जाता है उसके विषय में बता रहे हैं मानव मात्र का धर्म कौन सा है कल भी मैंने कहा था कि धर्म तो वह है जिसको धारण किया जाना चाहिए हमारी आत्मा का धर्म है परमात्मा की प्राप्ति करना किसी में बंधना नहीं आत्मा तो सदा मुक्त है तो बंधना धर्म नहीं है मुक्ति की तरफ बढ़ना धर्म है हमारे मानव जीवन का जो एक सामान्य मानव का धर्म जो धर्म के दस लक्षण है उन लक्षणों का पालन करना है श्रुति स्मृति के आधार पर सदाचार का पालन करते हुए अंतरात्मा जो गवाही दे उन लक्षणों का पालन करना वो धर्म है और आत्मा का धर्म है उस परमात्मा को जानना उसको पाना अब उसको पाने के मार्ग में कोई भी वेशभूषा कोई भी भाषा कोई भी धर्मग्रंथ बाधा नहीं बन सकते आप किसी में भी बधेंगे यदि आप किसी भी बंधन में बध रहे हैं तो मुक्ति की तरफ नहीं जा सकते हाँ अनुशासन के बंधन में होना चाहिए सत्य के बंधन में होना चाहिए पर यदि आपको पता है कि जो जो विचारधारा आप नहीं जानते वह भी सत्य हो सकता है तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण होगा वरना जो यो ये सोचता है कि जितना हमें पता है वही सच है और बाकी सब झूठ है तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति के कल्याण का रास्ता रुक जाता है तो अब आगे बताएंगे कि मोहम्मद साहब का जो ज्ञान है और श्यामा जी का जो ज्ञान है दोनों ज्ञान मिलकर के आगे किस तरह से एक धर्म का सूत्रपात होता है हिंदुओं को किस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथ से समझाया जाता है सत्य की पहचान कराई जाती है मुसलमानों को किस तरह से कुरान के आधार पर वास्तविकता की पहचान कराई जाती है किस तरह से अब मेरता से चलते हुए श्री जी दिल्ली पहुंचते हैं वहां औरंगजेब जो कि कट्टर शरीयती मुसलमान है जो हिंदुओं का मुख भी नहीं देखना चाहता ऐसे राजा को ऐसे कट्टर सरियती राजा को जगाने का प्रयास कैसे करते हैं वे सब प्रसंग हम सुनेंगे कल अब समय पूरा होता है दो दोराइए श्री महामति कहे ए साथ जी सा लो लोईसा का इलाम अब मोहम्मद को मिल चला एक दिन आदम कहो एक दिन आदम बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु श्री महाराज